हेलो, एडो गार्डन में स्वागत है आपका। आज हम लोग पॉलिटी से कुछ टॉपिक लिए हैं, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं, जिसमें पीटी में हमेशा प्रश्न आते हैं और पूछे गए प्रश्न को लिया गया है, जो संविधान की विशेषता का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे, SSC, BPSC ये सब में, CGL सब में पूछा गया है, उससे प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का लिखित सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो आप देखेंगे ऑप्शन में ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है और भारत है। तो हम लोग को मालूम है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और अनोखा संविधान है। लचीला और कठोर दोनों है, थोड़ा सा कठोर, ज़्यादातर लचीला है, जिसके कारण से वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है इसे, इस संविधान को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? तो कठोर है, पहला ए, बी लचीला है, ना कठोर ना लचीला, दूसरा असता कठोर और असता लचीला। असता कठोर, असता लचीला, मतलब थोड़ा सा कठोर है, ज़्यादा लचीला है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है वो देखेंगे। अनम्य है, नम्य है, नम्य और अनम्य दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का जो संविधान है, नम्य अनम्य दोनों है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिया गया है और बाहर के संविधान से भी कुछ इम्पोर्टेंट लिया गया है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखेंगे, भारत एक धन निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, भारत एक धन निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है उस देखेंगे। सभी नागरिक कानून के सामने सामान्य है। दूसरा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता। तीसरा, सभी नागरिक को भाषण देने की स्वतंत्रता है। और डी जो है, सभी को चुनाव में मत करने का स्वतंत्रता है। तो धन निरपेक्ष का मतलब होता है क्या, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति का धर्म होता है, व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है तो उससे चलेगा, ना कि राज्य का अपना कोई धर्म हो। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कथन सत्य कौन है? कथन सत्य जो है उसको देखना है। भारतीय संविधान अध्यात्मक है। बी जो है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। सी, भारत एक कुलिंग तंत्र है। डी, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। तो भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, ये डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य का आधारित है, इस तत्व पर आधारित है प्रजातंत्र, उसके बारे में देखेंगे। पहला है, संविधान लिखित है। बी है, यह राज्य के नीति निर्देश तत्व है। सी है, जनता से सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त। जो भारत का प्रजातंत्र है, आधारित है, वो क्या, जनता पर है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है और हटाया भी जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है, तो अब देखेंगे पहला क्या है। अच्छा, अनुच्छेद है, 250 से अधिक आर्टिकल है, 350 से अधिक आर्टिकल है, 450 से अधिक आर्टिकल है और डी जो है 500 से अधिक है। तो भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद है वो 395 है। अनुसूची हो जाएगा आपको, 12 अनुसूची हो गए और भाग जो है 22 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे, ब्रिटेन शासनात्मक है प्रणाली है, अमेरिका का अध्यात्मक प्रणाली है, सी है सामूहिक मंत्रिमंडल
और ये हो गया फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली है। तो ऑप्शन जो है ब्रिटेन का संसाधनात्मक, क्योंकि ब्रिटेन से ही लिया गया था संसाधनात्मक शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया था। तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, ब्रिटेन संसाधनात्मक प्रणाली हो जाएगा, ठीक है, आठ का ए हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है, सर्वोच्च कौन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक के तौर पर देखा जाए तो भारतीय में कौन सा सर्वोच्च है उसको देखेंगे। पहला है आपका संविधान है, दूसरा है आपका संसद है, तीसरा धर्म है और सर्वोच्च न्यायालय है डी। तो राजनीतिक व्यवस्था में जो होता है वो संविधान होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा संविधान। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है, भारतीय संविधान का बृहत होने का कारण क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला दे रहा है ए में, इसमें संघ तथा राज्य सरकार दोनों का संविधान है, संघ तथा राज्य सरकार के लिए दोनों के लिए संविधान है, हाँ ये बात सही है। तो दूसरा देखेंगे, इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी है, इसमें अनेक संविधान का अनुभव समाविष्ट है। और डी है, बड़े क्षेत्र बड़े देश के शासन से संबंधित है। जो आपका पहला है ऑप्शन है ए, इसमें संघ एवं राज्य सरकार दोनों का सम्मिलित संविधान है, दोनों के लिए संविधान है, तो आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो 11 नंबर प्रश्न है उसको देखेंगे अब, भारत का संविधान, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान देखेंगे किससे प्राप्त करता था, हम लोग जानते हैं कि जनता से प्राप्त करता है ना। तो ऑप्शन को देखेंगे क्या है, पहला है भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947, बी है भारत की जनता, सी है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय, और डी है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा से। तो ऑप्शन जो है बी है भारत की जनता, वो हो जाएगा आंसर, राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, भारत में वैध प्रभुसत्ता जो निहित है वो किसमें है उसमें देखेंगे। ऑप्शन जो है पहला राष्ट्रपति हो गया, दूसरा राज्यपाल है, तीसरा संविधान है और चौथा आपका मंत्रिमंडल है। तो ये हो जाएगा आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सी। अब देख लेंगे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न को, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, भारतीय संविधान की संरचना जो है किस प्रकार की है उसको देखेंगे। पहला है संघीय है, एकात्मक है, सी है आपका कुछ एकात्मक कुछ कठोर, और लास्ट जो है डी कठोर है। तो आपका ये एकात्मक और कुछ कठोर है वो हो जाएगा राइट आंसर जो है 13 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, मतलब लिखा हुआ संविधान सर्वप्रथम कहाँ पे, मतलब कि लिखा गया संविधान है वो देखेंगे कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा इटली, चौथा है ब्रिटेन। तो लिखा हुआ संविधान जो है सबसे पहले फ्रांस में, तो ये राइट आंसर जो है 14 का आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न, आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था ना, तो वो देखेंगे किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन देखेंगे कौन कौन है, पहला है यूएसए, दूसरा है मिस्र, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है युगोलास्विया हो गया। तो आंसर जो है राइट आंसर है 15 का हो जाएगा आपका ए, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय
संविधान का दर्शन नहीं है, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है उसको देखेंगे। तो ऑप्शन है साम्यवादी राज्य, राजनीतिक समानता, तीसरा है कल्याणकारी राज्य और चौथा है समाजवादी राज्य। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर है ए, समाज साम्यवादी राज्य आंसर हो जाएगा। 16 का साम्यवादी राज्य ए हो जाएगा राइट आंसर। और 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है, मतलब कि दोनों में मिलती है वो देखेंगे। ठीक है, दोहरी नागरिकता ये आपका अमेरिका का है, ठीक है, यहाँ भारत में नहीं है। और आपका ये बी ऑप्शन का होगा एकल नागरिकता, ये हो गया भारत का। और ये हो गया तीसरा है सी, संविधान की व्यवस्था, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो है, ये हो गया डी हो गया संविधान की तीन सूचियाँ। तो आंसर जो है सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की, संघीय उच्चतम न्यायालय की संविधान की व्याख्या के लिए, ये आंसर हो जाएगा 17 का सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो 18 नंबर प्रश्न है उसको देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। सर्वोच्च जब भी होगा तो संविधान होता है ना, सर्वोच्च जो है राज्य व्यवस्था में कौन है, सबसे ऊपर संविधान होता है। तो ऑप्शन देखेंगे क्या है, पहला है संसद है, दूसरा है धर्म, तीसरा है संविधान और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। तो पहले ही बता दिए, तो ऑप्शन जो है 18 का हो जाएगा सी, ये हो जाएगा संविधान। अब अगला प्रश्न है जो इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बार बार, रेलवे हो गया, NTPC, BSC हो गया, ये सब में ये प्रश्न बार बार आते हैं। और संविधान की विशेषता से ये प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट प्रश्न को देखेंगे क्या है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, भारतीय संविधान का किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं, मतलब कि इसके बारे में बताना है। तो पहला है आकार के मध्य है, क्या आकार में भारतीय संविधान छोटा है, मैं छोटा है, बहुत ही छोटा है, मतलब कि बहुत ही छोटा है क्या। तीसरा है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, या यह लिखित संविधान नहीं है। भारत का संविधान हम लोग को मालूम है कि अनोखा और एक विस्तृत बड़ा संविधान है। तो आंसर जो है आपका इसका जो है सी हो जाएगा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, जो भारत का एक संविधान है जो विस्तृत संविधानों में से एक है। तो आंसर जो है ये हो जाएगा आपका सी। तो ये आज का प्रश्न था जो संविधान की विशेषता से इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो पीटी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे देखिए और बार बार इसको देख के प्रैक्टिस करें, और किताबों में भी आप सॉल्व करें इसको प्रैक्टिस सेट में, और जितना हो सके उतने सेट का प्रयास सेट बनाएं आप प्रैक्टिस करें। और आने वाले वीडियो में फिर क्वालिटी से कुछ टॉपिक डालूँगा मैं। तो आज तक के लिए इतना था, और देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।